दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे आप अपना केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आपने ऐप को इंस्टॉल किया है, फिर आपने इसके अंदर आपका साइनअप भी किया है। साइनअप के लिए आपको कुछ नहीं, आपको पर्सनल डिटेल्स देता है, पिकअप एड्रेस ले लेगा, आपका कंपनी नेम यानी आपका नाम पूरा ले लेगा, फिर आपका पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल भरने के बाद सिटी कंट्री सब कुछ डिटेल होने के पश्चात आपका अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद अब होता है आपका केवाईसी, यानी यहाँ पर आपको केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। बहुत आसान स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कैसे, आपको इस वीडियो को देखिए बराबर से, कैसे आप अपने इस शिपिंग वाला जो ऐप है उसके अंदर अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और केवाईसी इसलिए कंप्लीट करना होता है क्योंकि यहाँ पर आप अपना बाद में रिचार्ज भी करेंगे और रिचार्ज के साथ कई बेनिफिट भी हम आपको आप तक पहुँचाना चाहते हैं, और फिर आगे भी गाइडेंस करते रहेंगे कैसे आप अपने ऑर्डर्स को अपने घरों से, या आप खेत में हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, फिर भी आप अपने ऑर्डर्स को कैसे आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, लोगों के घर तक पहुँचा सकते हैं, और किसी भी स्टॉकिस्ट को कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी है, तो चलिए केवाईसी कैसे करना है इसके बारे में आज के वीडियो में जानकारी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको वो बोलेगा, आपको कंपनी है तो आपको नो योर कस्टमर केवाईसी अपडेट बोलते हैं इसको अंदर, क्योंकि आप ना ये सारी ट्रांजैक्शन आने वाले समय पे बहुत सारे करने वाले हो तो आपका एक केवाईसी होना जरूरी होता है। वो गवर्नमेंट नॉर्म्स भी है। केवाईसी के लिए आपको दो ऑप्शन बोलता है, आपको करना क्या है। केवाईसी कहा था यह भी बता देता हूं। नीचे आपको एक मोर का बटन दिख रहा है, ये दिख रहा है ब्लैक का अंदर छोटा सा मोर बटन, मोर वाला बटन दिखाई दे रहा है, मोर। मैं बाद में भी दिखा दूंगा मोबाइल में। पहले मोर पे क्लिक करते हैं ना तो तुरंत आपका एक मोर वाला विंडो ओपन हो जाता है। वहां पर आपको सेटिंग में जाना है, लिखिए दिखाएगा पे चेक अप पॉपअप। पहले तो आपको ऊपर पॉपअप, ये जो ब्लू और एक उबी एक अंडर एक स्टैंडर्ड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, हाईलाइट दिखा रहा है, और कंटिन्यू वाला बटन दिख रहा है ऊपर, तो वो ऑलरेडी ऐप आपको बोल रहा है कि यहाँ से केवाईसी स्टार्ट करो। तो कंप्लीट योर केवाईसी टू स्टार्ट शिपिंग नाउ। अगर आप शिपिंग करना चाहते हो तो अपना केवाईसी पूरा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे गो सेटिंग, मतलब क्या है, डायरेक्टली ये बटन क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली केवाईसी के पेज पे चले जाओ। लेकिन मान लीजिए किसी से ये हट गया और नहीं मिल रहा है, मैंने तो केवाईसी नहीं किया अभी तक, तो आपको करना क्या है, मोर पे क्लिक करना है और फिर आपको सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है, सेटिंग में जाना है और आपका केवाईसी अपडेट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सबमिट योर केवाईसी के अंदर आपको ये तीन ऑप्शन पूछेगा। आपका बिजनेस इंडिविजुअल है, आप एक सोलो प्रोप्राइटरशिप चलाते हो, या फिर आपका कंपनी है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझिएगा, अगर आपके पास कोई जीएसटी डॉक्यूमेंट, कंपनी का बहुत सारा रजिस्ट्रेशन वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे पता है आप हमारे जैसे एक साधारण से हम डायरेक्ट सेलर है, तो आप सभी लोग एक इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है सर, इंडिविजुअल पे आप सब लोग क्लिक करेंगे। सिलेक्ट इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल पे क्लिक करो, मतलब क्या है, हमें कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, नो जीएसटी, नो कुछ 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 डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड से हो जाएगा। यस यस यस, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। कुछ लोग बोलते हैं ना सर जीएसटी का झंझट, नहीं सर यहाँ पे नहीं है कोई जीएसटी का, आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, और ये आपको सिर्फ पूछता है कि आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करिए। मतलब मैं एक इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ, आपका प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन होगा तो ही जाइना। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम के होते हैं तो वो सारे होंगे तो कंपनी के अंदर जाइए, बट मैं सलाह दे रहा हूँ इंडिविजुअल पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपडेशन आएगा। कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, दो ऑप्शन आएगा। जैसे आप नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो, आपने इंडिविजुअल किया और आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप अपना मोबाइल का स्क्रीन को जूम के द्वारा, जूम मतलब क्या है, इसको ऐसा एनलार्ज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वाओ हो रहा है। ये देखो, ये मैंने एनलार्ज कर दिया और आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, पहले आपने इंडिविजुअल पे क्लिक किया फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इस तरीके से आपका हो जाता है, दूसरा पेज आता है। आप कैसे केवाईसी अपडेट करोगे, एक आती है, पहले आएगा एक्सप्रेस, पहले आएगा एक्सप्रेस केवाईसी, मतलब विद इन 30 सेकंड आपका केवाईसी हो जाता है। कितना कितना फास्ट है देखो ना, मतलब आपको कुछ नहीं करना है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सिर्फ आपको एक्सप्रेस केवाईसी पे क्लिक करना है। ये लिखना अगर आप भूल जाओगे तो, एक्सप्रेस केवाईसी, या फिर मेरे साथ अभी करिए, मैं बोल रहा हूँ आप कर दीजिए, बाहर आ जाइए, आपको आवाज तो आ रहा होगा, जाइए मोर पे क्लिक करिए और फिर आपको केवाईसी के अंदर जाना है, सेटिंग में जाइए, जाइए आगे इंडिविजुअल क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, केवाईसी के अंदर आइए। अब
एक्सप्रेस क्यों करना है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, आधार का नंबर आपको लिखना पड़ता है, आधार नंबर, आपका आधार कार्ड का नंबर, ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर है आपका, ये आधार नंबर वहां पे डाल दीजिए, 30 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी मोबाइल में देखिएगा, क्योंकि आधार नंबर आपका मोबाइल से लिंकअप है, हर एक आधार नंबर मोबाइल से लिंकअप है, एक ओटीपी वहां पर तुरंत डाल दीजिएगा, जैसे ओटीपी यहाँ पे डाल देते हो, विद इन 30 सेकंड आपका केवाईसी हो जाता है। यस, इसके लिए आप लिख सकते हैं वाओ फंटास्टिक लिख सकते हैं, अमेजिंग लिख सकते हैं, या आप समझ में आ रहा है लिख सकते हैं, मेरी जो बातें आप तक पहुंच रही है लिख सकते हैं, या यस भी लिख सकते हैं, यस 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 जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है लिख सकते हो, मैं अगले पेज पे जाने के लिए आसान होता है मेरे लिए। चलिए अब तक कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। अब ये लिंक योर बैंक अकाउंट, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अभी तुरंत आपको बैंक अकाउंट का पेज में जाने की जरूरत भी नहीं है, मैंने अभी तक नहीं किया 3 साल में, मैंने बाद में भी चेक किया, मुझे बैंक अकाउंट अपलोड करने की जरूरत नहीं, आज भी नहीं है। गूगल का पे, गूगल पे के माध्यम से मैं इसके अंदर पेड कैश कर देता हूँ। अब आपको उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, आपका पहला ऑर्डर जनरेट करना। यस, आ गया सर, इतना सेटिंग हो गया, आपका काम हो गया, केवाईसी अपडेट हो गया, आपका खाता खुल गया। क्या क्या बताया मैंने आज, सबसे पहले लिंक पर क्लिक करें, साइन अप के बाद लॉग इन के बाद एक पेज आएगा, पेज के बाद आपको वो एक अपना खुद का डिटेल भर देना है, यानी आपका पर्सनल डिटेल, कंपनी डिटेल बोलते हैं उनको, और फिर उसके बाद आपने केवाईसी किया, यानी तीन ही चीज किया, लॉग इन किया है, उसके बाद आपने आपका पर्सनल डिटेल दे दिया है, कंपनी डिटेल यानी, और फिर आपने अपना केवाईसी, तीन ऑप्शन डाल दीजिए, समझ में आया, अब तक मैंने 3 ऑप्शन बता दिया आपको, अच्छे से समझ रहे आप, अच्छे से समझ रहे, वाओ लिख सकते हैं, मेरे लिए लिख दिया, अमेजिंग लिख सकते हैं सर, अच्छा सिखा रहे हो लिख सकते हैं, इसलिए तुम मेंटर कहते हो ना, यस लिख सकते हैं, अच्छा सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट ऑर्डर, चलिए हम ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं अभी। हाँ यस, अभी आपका ऑर्डर शुरू हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, रात के 12 बजे। चलिए दोस्तों, ऑर्डर कैसे करना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप अपना अपना केवाईसी जरूर करिए, और केवाईसी करने के पश्चात ही तुरंत आप अपना रिचार्ज करना ना भूलिए, रिचार्ज करने के लिए एक ऑफर है आप लोगों के लिए, जो लिंक से आपने इस ऐप को इंस्टॉल किया था, जिस लिंक को हमने आपको शेयर किया था, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, उस लिंक पर क्लिक करने से आप एक रेफरल बन जाते हैं, और रेफरल प्रोग्राम की वजह से जैसे आप उस लिंक से अपना रिचार्ज करते हैं, मतलब वैलेट के अंदर अमाउंट रिचार्ज करते हैं, गूगल पे फोन पे का सारा ऑप्शन उसके अंदर दिया गया है, तो रिचार्ज करते ही 1000 का रिचार्ज पे आपको 1600 रुपये वहाँ पर वैलेट के अंदर आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्री में, और वो 1600 रुपये आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरीज को कहीं पर भी पहुंचाने के लिए मदद कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं है, पिछले 3.5-4 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आज एम्बेसडर भी बनाया गया है, और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को बिल्कुल से सेफ है, इसलिए आपका वैलेट के अंदर जो अमाउंट है उसका ट्रैक भी आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हैं। तो थैंक यू कहूँगा दोस्तों आप सभी लोगों को, आपने पूरा वीडियो देखा है, कैसे केवाईसी करना है वो समझ में आया होगा, तो आज के आज तुरंत अपना केवाईसी पूरा कर दीजिए, और केवाईसी पूरा करके आगे का वीडियो के लिए आप ज़रूर देखिए कैसे ऑर्डर करना है, वो भी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, आप अपना पहला ऑर्डर कैसे जनरेट करें, और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर तक भारत के किसी भी पिन कोड पर भेज सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बार बार इसको आपको इसके लिए रिमाइंड किया जाता है, ताकि कोई भी वीडियो जो महत्वपूर्ण वीडियो होती है, इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके के वीडियो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए इस तरीके के वीडियो और कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन शुरू हो चुका है, ताकि आने वाले समय पर कोई भी अपडेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जाते जाते बेल आइकॉन को भी क्लिक करके रखिए, और साथ ही साथ हमारे साथ संपर्क बनाए रखिए, हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाइए, ताकि आने वाले समय पर अगर आपको ऑर्डर करने में, केवाईसी करने में, ऐप इंस्टॉलेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए, पर्सनल आपको डीएम करना है, सीधा डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है दोस्तों, और आपको आगे लेकर आने के लिए मदद करते हैं दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एंड बी द ग्रेट पर्सन, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।